नाज़रीन वेलकम बैक। अब चलते हैं भारत की तरफ, जहां बिहार जो कि भारत की एक बहुत बड़ी रियासत है, वहां के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को बड़ी वाज़े शिकस्त का सामना है। अब तक के जो इलेक्शन ट्रेंड सामने आए हैं उसमें ये साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस सपोर्टेड ग्रैंड अलायंस, जिसे महागठबंधन कहा गया, उसे बीजेपी सपोर्टेड एनडीए अलायंस पे बड़ी वाज़े सबकत हासिल है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस बिहार की कैंपेन को उनके ताल्लुकात में बेहतरी हो सकती है। इस हफ्ते जब हम बात कर रहे थे मणिशंकर आयर साहब से दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में और उनसे ये सवाल उठा, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी उसी वक्त होगी जब नरेंद्र मोदी को निकाला जाएगा। हमें ले आइए, इनको हटाइए, कि हमें 4 साल और इंतजार करना होगा। मोदी साहब के रहते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझको नहीं लगता है। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर नरेंद्र मोदी को कैसे निकाला जाएगा, तो उन्होंने कहा साहब जरा बिहार के इलेक्शंस का इंतजार कर लें। को बिहार के नतीजे आने वाले हैं और आपको दोबारा अपना सवाल करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजूहात क्या बनी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की। 2-3 वजूहात बड़ी अहम है। जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो ये है कि मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और दलित जो निचली जात के हिंदू हैं उनके खिलाफ जिस किस्म का रवैया बरता गया, जिस किस्म की नफरत का इजहार किया गया, खास करके जिस तरह से मुसलमानों और क्रिश्चियंस को दोबारा से हिंदू बनाने के प्रोग्राम जैसे घर वापसी का नाम दिया गया, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के तूल अरज में वहाँ के अदबी जो सर्कल हैं, जो दानश्वर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मिडिल क्लासेस हैं, जो सियासी हलके निकाली। और एक चीज जो बड़ी अहम है हमारे लिए समझना कि एक इंटरनेशनल एजेंसी मूडी एनालिटिक्स ने भी हिंदुस्तान की बिजनेस सर्कल्स को ये वार्न किया, ये खबरदार किया कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के ये जो बिखरे हुए इंतशार वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर हिंदुस्तान का इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा और उसकी बिजनेस एटमॉस्फेयर जो है वो मुतासर। बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान को हाफिज सईद की तरह एक दहशतगर्द करार दे दिया गया तो उसे हिंदुस्तान के लोगों ने पसंद नहीं किया। जब एक बीजेपी के लीडर ने दलित को कुत्ते कहा और बीजेपी के एक और लीडर ने यह कहा कि जो लोग गोश्त खाना चाहते हैं गाय का उन्हें हिंदुस्तान को छोड़ देना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं आई। एक और भी बहुत बड़ी वजह यह है कि बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो है विकास का या डेवलपमेंट का कोई क्लियर एजेंडा भी पेश नहीं कर सके। जो कुछ उन्होंने पेश किया उससे गालिबन कहीं बेहतर वहां की जो ताकतवर शख्सियत थी नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उनका जो रिफॉर्म एजेंडा था उसको बेहतर समझा गया। अब सवाल ये पैदा होता है जो पाकिस्तानी जहनों में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इस रिवर्सल से नरेंद्र मोदी के बिहेवियर में, उनकी इंतहा पसंदी में कोई कमी आएगी। गुज़िश्ता 18 महीने में ये दूसरा रिवर्सल है। इससे पहले दिल्ली की यूनियन टेरिटरी में आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है उसके हाथों भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी भारत में सेंटर के अलावा और यूनियन टेरिटरीज के अलावा कम से कम 8 बड़ी रियासतें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। उसमें हेल्ड ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है जहाँ पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी एक अलायंस में है और एक दिन ही पहले वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने $12 बिलियन का एक डेवलपमेंटल पैकेज दिया है जिसे वहां की कश्मीरी लीडरशिप ने रद्द कर दिया है। तहम ये समझना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी के बिहेवियर में और उनकी इंतहा पसंदी में आसानी से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी सपोर्ट को, अपने पॉलिटिकल वोट बैंक को संघ परिवार से बहुत हद तक डिराइव करती है और संघ परिवार के अंदर बहुत से छोटे बड़े ग्रुप्स हैं, पोलिटिकल एंटिटीज़ हैं जिसमें RSS भी है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद VHP भी है, उसमें सैफ्रॉन टाइगर्स भी हैं, उसमें शिवसेना भी है जो BJP की पार्टनर है महाराष्ट्र की स्टेट में, और उसमें लातादाद ग्रुप हैं जिसमें दुर्गा वहीनी है, जिसमें बजरंग दल है, इस तरह के बहुत से ग्रुप हैं जो ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी को एक एग्रेसिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यही वो हिंदुत्व के नजरियाती ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। गुलाम अली की गजल गाने का इशू हो या भारत में क्रिकेट का इशू हो और BCCI शहरिया खान से मुलाकात ना कर सके, या मायरा की तरह की आर्टिस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान ना जा सकें, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की टेंशन जो हैं उससे हुकूमत को फायदा हो, इन तमाम चीजों का ताल्लुक इन नजरियाती ग्रुप्स के साथ है। तहम जो फाइनल आउटकम है
مودی صاحب کی حکومت کا وہ ان کی اکنامک پرفارمنس پہ ہوگا. جیسا کہ مودی انالیٹکس نے خبردار کیا کہ اگر مودی سرکار اپنے بکھرے ہوئے انتہا پسند گروپس کو کنٹرول نہیں کر سکے گی, انہیں ڈسپلن نہیں کر سکے گی, تو پھر پارلیمنٹ میں رد عمل ہوتا رہے گا اور جو اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے وہ پاس نہیں ہوگا, تیزی سے پاس نہیں ہوگا, اور اس وقت بھارت کی سلو ہوتی ہوئی کمزور پڑتی ہوئی جو معیشت ہے اسے اس اکنامک ریفارم ایجنڈا کی بڑی شدید ضرورت ہے. ایک اور پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے, غالباً سب سے اہم پوائنٹ ہے, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہاں کی جو بزنس ایلیٹ ہے, اس کی جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے, اس کی جو سول سوسائٹی ہے, وہ بھارت کے ہندوستان کے انٹرنیشنل امیج کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتی ہے. اگر انہیں یہ محسوس ہوا, انہیں یہ شک ہوا کہ نریندر مودی کی حرکتوں کی وجہ سے بھارت کی انٹرنیشنل امیج متاثر ہو رہا ہے, تو پھر نریندر مودی کی گرفت بھارت کی سیاست پہ کمزور پڑ جائے گی. بہت شکریہ, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.